Namaskar, I'm Ashok Vyas and you're watching Vastu Living with Pallavi Chelavda. The whole world is a composition of five elements. We are aware of earth, we are aware of water, we are aware of air and space. And when we look at all these elements, if they are not in balance, that imbalance causes a sense of disturbance, it causes a sense of distraction. And for us to be in harmony with all these five elements, we take the help of experts who enlighten us on how to arrive at life which is full of balance. And that sense of balance comes our way with the help of Vastu and Feng Shui by world-renowned Pallavi Chelavda in this show. So today we have something special for you, which is based on the emails and the feedback that we received from you. So here is Vastu Living with Pallavi Chelavda. Namaskar, Jai Shri Krishna, Sat Sri Akal, aur Walekum Assalam. आपके चाहिए प्रोग्राम वास्तु लिविंग विद पल्लवी छेलावड़ा में आपका स्वागत है और आपका स्वागत करने के साथ साथ मैं स्वागत पल्लवी जी का भी इस शो में करना चाहता हूँ धन्यवाद के साथ दैट यू जॉइन अस अगेन टुडे एंड दिस वीक वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग कि घर का पूजा घर जो है उसमें इस तरह का वातावरण बने कि आपका मन पुलकित हो जाए प्रसन्न हो जाए एंड यू फाइंड योरसेल्फ कनेक्टेड टू द लॉर्ड और भगवान के साथ जुड़ने में पल्लवी जी वास्तु का भी कहीं ना कहीं कुछ रोल होता होगा आई एम श्योर देयर इज और उसके बारे में आपसे आज हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आप ये बताएं कि जो पूजा घर की पोजिशन होती है घर में वो कहाँ पर आइडियली होनी चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं एज ए वास्तु कंसल्टेंट जब मंदिर बनते हैं गुरुद्वारा बनते हैं तो उसमें भी इंस्टीट्यूट की ओर से फ्री सर्विस प्रोवाइड की जाती है लेकिन एक मैरिट आदमी या आम आदमी के घर का जो पूजा घर होता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं और ज़्यादातर घरों के अंदर पूजा घर के लिए सबसे आइडियल दिशा वास्तु के नियम के अनुसार नॉर्थ ईस्ट ईस्ट और नॉर्थ मानी जाती है वास्तु जो है वो बहुत ही ज़्यादा वास और ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें कभी भी सिर्फ एक डायरेक्शन किसी भी बात के लिए नहीं बताई गई तो किसी वजह से आपके पास कोई नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई रचना हो तो आप ईस्ट में जा सकते हो नॉर्थ में जा सकते हो तो वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार नंबर वन पोजिशन पूजा घर के लिए नॉर्थ ईस्ट मानी जाती है सेकेंड डीबेस्ट डायरेक्शन ईस्ट मानी जाती है एंड इक्वल सेकेंड डीबेस्ट डायरेक्शन नॉर्थ मानी जाती है वेरी गुड पल्लवी जी ये जो जानकारी आपने दी है वो कई लोगों को ये तय करने में मदद करेगी कि उनका जो पूजा घर घर में है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है या नहीं ईस्ट की तरफ है या नहीं और अगर नहीं है और पॉसिबिलिटी है तो वो थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं चेंज की बात को लेते हुए जब हम बढ़ते हैं आगे तो हमें याद आता है कि हमारे अंदर बड़ा उत्साह होता है कि पूजा घर जो है वो ऐसा ऐसा होना चाहिए तो कई बार अमेरिका में रहते हुए देर आर मैनी पीपल हु ऑर्डर पूजा स्ट्रक्चर इंडिया से मंगाते हैं बहुत अच्छा सा देख दाख के लाते हैं पर जब वो शिपमेंट होकर आता है तो पता चला कि उसका जो नीचे का पाया है वो टूट गया है तो अब क्या करें अब इतनी पसंद से मंगाया है तो उसको रखें कि नहीं रखें वास्तु के अनुसार घर में कोई भी तरह की टूटी फूटी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए खास करके सात्विक मूल्यों के साथ जुड़ी हुई चीज़ों को रिलीजियस कोई भी तरह की जिस तरह के रिलीजन में आप बिलीव करते हो लेकिन टूटा हुआ पूजा घर या कोई भी तरह की खंडित मूर्ति और कभी भी पूजा पाठ के लिए आप जिस चीज़ों का उपयोग करते हो उसमें से कोई भी चीज़ खंडित हो तो वास्तु के अनुसार उसका उपयोग करना निषेध है और उसको आप कितना भी एक्सपेंसिव होते हुए जोड़ के भी आप उसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो खंडित ही माना जाएगा तो पल्लवी जी मेरा कॉमन सेंस ये कहता है जो बात आपने की उसको अगर एक्सटेंड किया जाए तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भगवान की मूर्ति है उसके साथ में एक विशेष प्रकार का संबंध हो गया है पर कोई कारण हुआ कि वो टूट गए तो फिर उनको रखना नहीं चाहिए घर में हिंदू लॉजिक के अनुसार प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज़ के अंदर बदलाव आता है जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों को बुज़ुर्गों को बहुत प्यार करते हैं लेकिन जैसे एक रिलेशनशिप से आदमी निकलता है और उसके बाद उसका दूसरा अवतार होता है कुछ एज के बाद जब शरीर
आपका क्षीण हो जाता है तो आपका दूसरा अवतार होता है। तो वैसे ही किसी चीज़ के साथ आपका लगाव होना स्वाभाविक हो जाता है, लेकिन आप किसी मूर्ति पूजा को लंबे अरसे से करते हो और अगर वो खंडित हो जाती है तो उसको जल प्रवाह कर सकते हो मंदिर में जाके रखने के बाद। सेम उसी तरीके से उसी रिलीजन से रिलेटेड गॉड की दूसरी प्रतिमा को आप स्थापित कर सकते हो। तो कोई भी पुरानी चीज़ तभी होती है जब उसके नई चीज़ के आने की संभावना बढ़ जाती है। तो वो प्रकृति का नियम है और उसको हमें मानना चाहिए। पल्लवी जी बहुत धन्यवाद है ये बताने के लिए कि जब आवश्यकता है तो परिवर्तन लाना जरूरी हो जाता है और उस परिवर्तन को अपनाए बिना हमारी गति आगे की तरफ नहीं हो पाती है। एंड इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड वी नीड टू एक्सेप्ट वेयर वी आर एंड इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट आवरसेल्व्स इन अ वे विच रेजोनेट्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु। पल्लवी जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो पूजा घर है वो किस दिशा में होना चाहिए घर में, इसके बारे में कुछ संकेत दें। वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार पूजा घर की रचना नॉर्थ ईस्ट में होने के बाद जिस भगवान को आप बिलीव करते हो, जिस रिलीजन को आप फॉलो करते हो, उनकी स्थापना, मूर्ति की स्थापना जो होती है टूवर्ड्स ईस्ट करनी चाहिए। तो जब कभी आप पूजा करते हैं तो आपका चेहरा जो है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पूर्वाभिमुख यानी कि ईस्ट फेसिंग होना चाहिए और उसको बहुत ही आइडियल व्यवस्था मानी जाती है। पूर्व की तरफ मुख रख कर पूजा करने के लिए बैठे तो वो आइडियल है जी। और एक और बात होगी, आइडियल रंग कैसा होना चाहिए पूजा घर का, उससे भी कुछ फर्क पड़ता है क्या, किस तरह का ध्यान लगेगा नहीं लगेगा? वास्तु शास्त्र के अंदर पूजा घर के लिए जो दिशा को सिलेक्ट किया गया है उन दिशाओं के अंदर जो एनर्जी फोर्स है उसको कहा जाता है कॉस्मिक एनर्जी, क्योंकि नॉर्थ में मैग्नेटिक फोर्स होता है और ईस्ट में नेचुरल एनर्जी है। नॉर्थ ईस्ट जो होती है दैट इज़ कॉल्ड सबकार्डिनल डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उसमें आधा एनर्जी फोर्स नॉर्थ का है एंड आधा एनर्जी फोर्स ईस्ट का है, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। तो जहाँ पे दोनों एनर्जी इकट्ठी हो जाती है तो वहाँ से एक और नई एनर्जी क्रिएट होती है एंड दैट इज़ कॉल्ड कॉस्मिक एनर्जी। वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार कॉस्मिक एनर्जी के लिए आइडियल और शुभ कलर माने जाते हैं ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर कलर्स। वाटर कलर्स का मतलब होता है लाइट स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, एक्वा ब्लू, एक्वा ग्रीन, इस तरह के वाटर कलर्स को शुभ माने जाते हैं। इवन आप घर के अंदर मंदिर बनाते हो, स्टडी एरिया बनाते हो, आप मेडिटेशन रूम बनाते हो, तो ऐसी व्यवस्था के अंदर आपने कई बार ओम का प्रतीक देखा होगा, जहाँ पे ओम होता है वो हमेशा ज़्यादातर लाइट स्काई ब्लू कलर का बना हुआ होता है, क्योंकि ओम ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है और आसमान जो है जमीन से लेकर आसमान तक की जो गहराई है और जो लेयर क्रिएट होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉस्मिक एनर्जी। तो आसमान के अंदर पानी से बादल बनते हैं लेकिन उसका कलर हमेशा नेचुरल तौर पे कैसा होता है, लाइट स्काई ब्लू या डार्क स्काई ब्लू या नेवी ब्लू। इसीलिए मंदिर की एनर्जी के लिए, मन की शांति के लिए, घर में पीस हार्मनी के लिए, बच्चों की अच्छी हेल्थ के लिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर आप अपने घर का पूजा घर रखते हो तो ऐसे घरों में एक अलौकिक दैविक एंड डिवाइन पीस वहाँ पे क्रिएट होती है और ऐसे घरों के अंदर रहने वाले बच्चों की पढ़ाई वगैरह, एजुकेशन वगैरह अच्छा रहता है। घर का जो मुखिया होता है वो अपना जो भी काम करता है उसमें उसका कंसंट्रेशन बड़ा बना रहता है। आपके साथ बात करते हुए मुझे एक अपना एक्सपीरियंस याद आ रहा है। मैंने कुछ दिनों पहले नॉर्थ कैरोलिना में एक घर को विजिट किया था। वो मेरे क्लाइंट ने बोला कि पल्लवी लाइफ सब कुछ जगह से बहुत अच्छी है, एक समस्या है, मैं जो चीज़ जहाँ रखता हूँ वहाँ से भूल जाता हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। काफ़ी एक्सपेंसिव पेन का शौक था, बहुत सारी पेन लूज़ कर चुके थे, चाबियाँ रखते थे तो भूल जाते थे। और मैंने जब जाके उसका घर विजिट किया तो मुझे पता चला कि उस घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस कट है। तो वास्तु ये कहता है कि सिर्फ पूजा घर नॉर्थ ईस्ट के अंदर होना जरूरी नहीं है, उस प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन वाइज नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एक्सटेंडेड या इक्वल होना चाहिए। तो अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर सही दिशा का ना हो तो आपकी लॉस, मेमोरी लॉस जैसी बात हो जाती है, अब जो भी चीज़ रखते हो भूल जाता है, आपको याद ही नहीं रहता है कि आपने क्या किया हुआ है। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर वास्तुशास्त्र की परिभाषा में स्ट्रांग और पावरफुल होना बहुत ही उपलब्ध माना जाता है, इम्पोर्टेंट माना जाता है। पल्लवी जी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है जो कटा हुआ नहीं हो, वरना भूलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और मेमोरी अगर ठीक नहीं है तो बहुत स्थानों पर सफलता की तरफ बढ़ने में बहुत मुश्किल रह जाती है। एक और बात जो आपने बताई वो स्काई ब्लू कलर होना चाहिए पूजा घर का, तो मेडिटेट करने में, कंसंट्रेट करने में बहुत उससे
फायदा मिलेगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे फायदा मिलता है अगर हम उन्हें जान लें और उनको अप्लाई करें सही रूप में। और सही रूप में अप्लाई करने के लिए वास्तु लिविंग विद पल्लवी छेलावड़ा कार्यक्रम में और बातें पूजा घर से संबंधित जो हैं हमारे मन में, उनकी तरफ हम बढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। पल्लवी छिल्लावड़ा, योर वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई सर्विस आर वैल्यूएबल फॉर योर बिजनेस। यूजिंग डायरेक्शन, कैलकुलेशन एंड फोरकास्ट प्रेडिक्शन एनहांस प्रोग्रेस एंड हेल्प यू अवॉइड एनी पिटफॉल्स। अवर डिटेल्ड रिसर्च इनटू लैंड, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग डेवलपमेंट्स हेल्प यू टू मेक द राइट डिसीजन। एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बना ले। और आज हम बात कर रहे हैं घर के पूजा घर की, पूजा घर का रंग कैसा हो उसके बारे में हमने बात की और किस डायरेक्शन में पूजा घर होना चाहिए ये भी आपने आज के कार्यक्रम में जाना। देयर इज मच मोर टू लर्न अबाउट पूजा घर और उस दिशा में बढ़ते हुए। पल्लवी जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हम ये डिसाइड करने में कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो मटेरियल हम मंदिर लाए हैं उसका मार्बल का ही होना अच्छा चाहिए या लकड़ी का हो तो ज्यादा अच्छा है। व्हाट इज द प्रेफरेंशियल मटेरियल फॉर पूजा घर? वास्तुशास्त्र के अनुसार घरों के अंदर मंदिर मार्बल के भी हो सकते हैं बने हुए, और लकड़ी के भी बने हुए हो सकते हैं। अगर लकड़ी का बना हुआ मंदिर हो तो सेवन की लकड़ी होती है, उसको बड़ा ही शुभ मानते हैं। और महालक्ष्मी की पूजा, सेवन की लकड़ियों की बनी हुई माला वगैरह आप जो प्रेयर के लिए यूज़ करते हो, और मूर्तियों की स्थापना के लिए भी आप वुडन का इस्तेमाल कर सकते हो, तो सेवन की बनी हुई लकड़ी का आप मंदिर बना सकते हो। जहाँ तक बात मार्बल की होती है तो वाइट मार्बल जो होते हैं वो मंदिरों के लिए शुभ माने जाते हैं। आजकल अमेरिका के अंदर और बाहर के कंट्री के अंदर ज़्यादातर लोग मेटल और ऑक्सोडाइज के बने हुए मंदिर का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसको मेंटेन करना आसान हो जाता है। रियल वास्तु शास्त्र के जो उपमा वेदों के अंदर दी गई है उसमें सबसे शुभ मंदिर लकड़ी का माना जाता है और मार्बल का। तो शुभ है मंदिर लकड़ी का होना और मार्बल का होना। और एक बात पल्लवी जी, हम सबके जीवन में जो जुड़ी हुई है, ऐसा कहा जाता है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी ही होगी। और हम में से किसी का घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर कोई ऐसा सदस्य जिनके प्रति हमारी बहुत श्रद्धा बहुत आदर है वो अब हमारे बीच में नहीं है। तो ऐसे जो पूर्वज हमारे हैं उनके चित्र हमें लगता है वो हमारी आदरणीय है, पूजनीय है, तो कई लोग उनको मंदिर में भगवान के चित्र के साथ स्थापित कर देते हैं। वास्तु की दृष्टि से इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ज़्यादातर हम अपने पूर्वजों के लिए उनका एक रिस्पेक्ट करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, इसीलिए भावुक होके कई सारे लोग अपने एंसेस्टर की पिक्चर जो है वो मंदिर में स्थापित कर देते हैं। और ऐसे वास्तु कंसल्टेंट के तौर पर मैं कहना चाहूँगी कि पूर्वजों का अपना एक स्थान है, उनकी एक दिशा है, उनको भगवान के मंदिर के अंदर कभी भी स्थापना नहीं करनी चाहिए। पूर्वजों के लिए आप अपने घर के दक्षिण दिशा के अंदर, साउथ वॉल के अंदर आप पूर्वजों की पिक्चर्स को लगा सकते हो। और जो वास्तुशास्त्र के नियमों में भगवान के लिए दिशाएं बताई गई है उसमें उसकी स्थापना की सबसे आइडियल व्यवस्था है कि जब कभी आप पूजा करते हो आपका चेहरा ईस्ट की ओर हो, और मंदिर के अंदर सबसे पहला स्थान गणेश गणपति का होना चाहिए। दूसरा स्थान जो होता है वो आपके जिस कुटुंब के साथ आप बिलोंग करते हैं वो आपके ईष्ट देवता जो है, आपके कुल देवता या आपकी कुल देवी जो है उसका स्थान माना जाता है। तीसरा स्थान हम अदर देवी देवताओं की उपासना करते हैं तो उनका स्थान माना जाता है, और चौथा स्थान गुरु का माना जाता है। उसके बाद उसका जो तीन स्टेप्स के अंदर हमेशा मंदिर बने होते हैं, जो सेकंड लेवल जो उसका होता है वहाँ पे अलग अलग तरह के यंत्रों की स्थापना की जाती है, जैसे श्री यंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, फिर अलग अलग तरह के बगलामुखी यंत्र है, विसो, बहुत तरह के यंत्र होते हैं, शनि यंत्र है। तो सेकंड लेवल के ऊपर सारे कॉपर के बने हुए यंत्रों की स्थापना की जाती है। तो शास्त्रोक्त विधि विधान के अनुसार घर के अंदर भगवान का मंदिर रखा जाता है। और उसी के साथ साथ हिंदू रिलीजन के हिसाब से जो हमारे ऋषि मुनि और साइंटिस्ट जिसको माने जाते हैं, जो इंसान की अच्छी लाइफ के लिए हमेशा सोचते थे,
तो हमारे वेद ग्रंथों के अनुसार घर में बने हुए मंदिरों के अंदर कभी भी प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों में नहीं करनी चाहिए, उससे बहुत गहरा दोष पड़ता है। और वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार अगर आपके घर के मंदिर का या पूजा घर का कोई भी दोष होता है, उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके बच्चों के ऊपर आता है, उसकी लाइफ के ऊपर आता है, तो घर में मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। जो लेयर होती हैं तीन, उसमें दूसरी वाली लेयर पर आपने बताया कि धातु के बने हुए श्री यंत्र इत्यादि की स्थापना करनी चाहिए, और बाकी भी जो डिटेल्स है वो हमारे दर्शक यूट्यूब चैनल वास्तु लिविंग विद पल्लवी शेलावड़ा पर जाकर देख सकते हैं, वापस रेफर कर सकते हैं, क्योंकि कई बातें माइन्यूट डिटेल्स वाली होती हैं, उनको रेफर करके अप्लाई करने में आसानी रहती है। और जो हमारी यूट्यूब चैनल है उसमें हम काफ़ी बार ऑन साइट लोकेशन पे जाते हैं, तो उसमें काफ़ी लोगों का अपना एक्सपीरियंस भी उसके साथ जुड़ा हुआ मिलता है। और पल्लव जी, एक और बात है जो हम में से कई लोग सोचते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं करनी चाहिए, आपने बताया, पर इसके साथ साथ क्या आकार होना चाहिए मूर्ति का जो घर में हो, क्योंकि मंदिरों में तो बड़ी बड़ी होती है, कई लोग घर में भी बड़ी बड़ी लाते हैं क्योंकि घर बड़े बड़े हैं कई लोगों के, तो उसके बारे में कुछ नियम है क्या वास्तु की तरफ से? वास्तु के अनुसार भगवान के मंदिर जो है उनकी स्थापना के लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। भगवान की मूर्ति कोई घर में और नॉर्मल डेकोरेशन की चीज़ें नहीं है कि आप उसको दरवाजे के पास रख रहे हो और नीचे लोग अपने जूते भी निकाल रहे हैं, आप उसको कहीं डेकोरेशन के तौर पे यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे कुछ इस तरह की व्यवस्था है जिसकी वजह से उनकी जो प्रतिमा है उनको आइडियल पोजीशन पे ना रखा गया हो, तो ऐसी सब कंडीशन के अंदर डेकोर के पर्पज़ से आप भगवान का उपयोग नहीं कर सकते। मेरी क्लाइंट है वो इतने ज़्यादा रिलीजियस और आस्था वाले हैं कि उन्होंने घर के हर कॉर्नर के अंदर, इवन मास्टर बेडरूम में जहाँ पे पति पत्नी सोते हैं, उसकी भी हर दीवार के ऊपर भगवान का मंदिर, हर जगह पे भगवान के पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग लगा रखे हैं। उनको मैंने सिर्फ एक बात बताई कि बहुत सालों पुराने इंडिया के अंदर काफ़ी अलग अलग बहुत पुराने मंदिर है, वहाँ पे भी आप जाओगे तो मंदिर के गर्भ के अंदर जो मूर्ति की स्थापना की जाती है उसके बाद इधर उधर हर कॉर्नर के अंदर इस तरह की व्यवस्था नहीं की जाती। तो मैरिड आदमी के घर में हर कॉर्नर में और शादीशुदा लोगों के बेडरूम के अंदर, मास्टर बेडरूम में के भगवान की स्थापना करना वास्तु के नियम के अनुसार गलत माना जाता है। बाकायदा पूजा घर होना चाहिए और वहाँ पर आप जो मर्जी स्थापना कर सकते हो। प्राण प्रतिष्ठा नहीं करें ये आपने बताया, और साथ में ये आवश्यक है कि जो विग्रह हैं, जो मूर्तियां हैं, वो पूजा के लिए हैं, उनको शोकेस की तरह या सजावटी वस्तु की तरह प्रयोग नहीं करें। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि वास्तु के नियम के अनुसार घर के अंदर 12 इंच से बड़ी मूर्तियों की स्थापना नहीं करनी चाहिए, लेस देन 12 इंच इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल। पल्लवी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि घर चाहे कितना भी बड़ा हो, मूर्ति की जो साइज है वो 12 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं पूजा घर के साथ जुड़ी हुई जिनकी तरफ हम ध्यान रखना चाहते हैं पर हमें पता नहीं है, और ये पता लगाने के लिए हम बैठे हैं वास्तु लिविंग विद पल्लवी छेलावड़ा कार्यक्रम में पल्लवी जी के साथ, जिनके साथ अपना अनुभव भी है, और उस अनुभव को लेते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो लेने वाले हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होते हैं देयर इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस शो विच इज वेरी मच अवेटेड, एंड दैट इज टिप ऑफ द वीक। सो वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। Your Vastu Feng Shui Consultant. We all have different goals in our lives, but at the end of the day, we are all looking for happiness. This happiness comes from achieving our goals, both personal and professional. Vastu Shastra and Feng Shui will help you find this happiness and a perfect balance that can help you achieve all that you want. Ekra aur sahi disha jo zindagi banate. Welcome back, you're watching Vastu Living with Pallavi Chelavda. Pallavi ji, now is the time when our viewers are waiting for tip of the week. So what have you for us today? वास्तु शास्त्र में फिलहाल हम भगवान के मंदिर में घर में होने की रचना के बारे में बात कर रहे हैं। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान के कोई भी घर के अंदर जो मंदिर में स्थापना होती है वहाँ पे 2 से ज़्यादा गणेश जी को नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा आस्था हो, श्रद्धा हो, कई लोगों को गणपति कलेक्शन का शौक होता है, लेकिन जहाँ पे आप अपने मंदिर की स्थापना करते हो वहाँ पे वास्तु के नियम के अनुसार 2 से ज़्यादा गणेश जी नहीं रखने चाहिए।
वंडरफुल टिप पल्लवी जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिलेवेंट. गणेश जी का स्वरूप ऐसा है सबको आकर्षित करता है, सबको प्रिय है. और आपने सही कहा, बहुत लोगों के पास बहुत सारे गणेश जी हैं एंड मेनी पीपल कीप मेनी ऑफ देम इन देयर पूजा रूम ऑल्सो, बट आपके अनुसार दो से अधिक गणेश जी पूजा घर में, के नियम के अनुसार दो गणपति घर में शुभ मानते हैं, लेकिन दो से ज्यादा अधिक कोई भी भगवान की प्रतिमा जरूरत से मतलब बहुत ज्यादा एक ही तरह के रूप वहां पे नहीं रखने चाहिए. पल्लवी जी थैंक यू वेरी मच, आपने ये टिप इतना इंपॉर्टेंट दिया है. गणेश जी सबके प्रिय हैं और सबको कलेक्शन करने का भी शौक है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनके पूजा घर में दो से ज्यादा गणेश जी आ ही जाते हैं, बट एज पर वास्तु यू रिमाइंडेड अस कि दो से अधिक गणेश जी नहीं रखने चाहिए. एंड एज वी मूव फॉरवर्ड इन दिस शो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट पूजा घर एंड रिलेशनशिप ऑफ वास्तु principles in the color as well as position as well as direction of puja ghar, there are some questions Pallavi ji, and our viewers keep writing and they have many queries. Today we are taking some of them related to puja ghar. So first question I'm taking is from Chicago, and it is written by Harry Shah, and he says hamare ghar mein bahut adhik jagah nahi hai isliye humne puja ghar kitchen cabinet mein hi बना दिया है, तो भगवान को वहाँ रखना ठीक है क्या? वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार भगवान का एक अपना स्थान है, आपके जो भी स्क्वायर फीट और जितना भी घर बना हुआ हो, लेकिन कोई भी घर जो होता है वो मुकम्मल साइज का होता है जिसमें परिवार रह सकता है. अगर परिवार रह सकता है तो भगवान का रहना स्वाभाविक हो जाता है. अगर आपकी श्रद्धा है आस्था है तो किचन के अंदर पानी की बेसिन के सिंक के पास इस तरह के पूजा घर वास्तु शास्त्र में शुभ नहीं माने जाते. और अगर आप उसको किचन कैबिनेट में बनाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि जहाँ पे आपने पूजा घर बनाया हुआ है वो दिशा वास्तु के नियम के अनुसार हो, और कैबिनेट की शेल्फ के ऊपर फिर और कोई भी तरह का सामान ना हो, क्योंकि पूजा घर का वास्तु ये कहता है कि भगवान के सर के ऊपर कोई तरह का सामान नहीं आना चाहिए. तो लोग ज़्यादातर सेकेंड फ्लोर पर बनाते हैं क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर लोगों का चलना होता है. कई बार लोग बेसमेंट में भी इसीलिए अवॉइड करते हैं कि भगवान के सर के ऊपर से कोई चले नहीं. तो अगर आपने किचन कैबिनेट में बनाया हुआ हो और दिशा भी सही हो तो फिर आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके ऊपर कोई भी तरह का सामान ना रखा जाए. पल्लवी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस तरह से आपका सम्मान अगर अपने इष्ट के प्रति भगवान के प्रति व्यक्त होता है कि उनके ऊपर आपने कुछ और नहीं रखा है, तो एक बेसिक अपनी सेंसिटिविटी भी उनकी ओर बढ़ती है. और सेंसिटिवली जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हमारे दर्शक उनके लिए उनका धन्यवाद है, एंड मेनी ऑफ देम आर कीनली वॉचिंग यूट्यूब चैनल, दे ऑल्सो मैंशन एंड अप्रिशिएट द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट यू आर डूइंग इन इंक्रीजिंग देयर अवेयरनेस अबाउट वास्तु प्रिंसिपल्स. और एक सवाल जो है वो कैनी देसाई जी हैज रिटर्न फ्रॉम कैलिफोर्निया, इनका सवाल ऐसा है कि पूजा घर पर गुंबज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैनी जी, घर के अंदर जो पूजा घर होता है उसके ऊपर आप गुंबद जरूर रख सकते हो. बहुत सारी वास्तु शास्त्र के बारे में जितनी समझदारी है, इससे ज़्यादा कई तरह की गैर मान्यता है, और ये सवाल बहुत लोगों के पास से आता है. लेकिन वास्तु के नियम के अनुसार पूजा घर के ऊपर आप गुंबज को जरूर रख सकते हो, क्योंकि पूजा घर का मतलब ही ये होता है कि एनी टाइप ऑफ रिलीजियस कोई भी तरह की व्यवस्था हो, चर्च हो, मॉस्क हो, टेंपल हो, तो हमेशा उसका जो सेंटर पार्ट होता है वो हमेशा हाइट वाला होता है. और बायोकॉस्मिक एनर्जी के लिए जितना हवा का लेयर ज़्यादा बहता है उतना अच्छा होता है. तो घरों के ऊपर आप गुंबज ज़रूर रख सकते हो. धन्यवाद है पल्लवी जी, आपने ये स्पष्ट कर दिया कि घर के ऊपर गुंबज मूर्ति पूजा घर उस पर रखा जा सकता है. एक और सवाल चलते चलते आपसे आज के कार्यक्रम में पूछते हुए, आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर, परेश पटेल जी न्यूजर्सी से लिखते हैं, उनको आपका जो फेसबुक पेज है जो वास्तु लिविंग विद पल्लवी छिलावड़ा से संबंध रखता है वो उनको बहुत अच्छा लगता है, एंड ही कीनली वॉचेज इट, और अपडेट्स भी उनको बड़े अच्छे लगते हैं कि नई नई बातें उनको जानने को मिलती हैं. उनका सवाल बड़ा सीधा सा है, उनका कहना है कि उनकी जो धर्म पत्नी है उनकी भगवान में बहुत आस्था है, और मास्टर बेडरूम में भी उन्होंने भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई हैं. इसके बारे में पति पत्नी बातचीत करते रहते हैं, पर आपसे वो जानना चाहते थे क्या सही तरीका है. परेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप फेसबुक के हमारे रेगुलर ब्लॉग पढ़ते हैं और काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, उसको एवरी वीक इन्फॉर्मेशन अपडेट की जाती है, तो शुक्रिया उसकी वजह से आपका. और जो आपका सवाल था कि पूजा घर मंदिरों के अंदर अपने बेडरूम वगैरह के अंदर रखा हुआ है, तो एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं ये कहना चाहूँगी
कि मैरिड आदमी के घर के अंदर या फिर लड़कियों के रूम में सर्टन एज के बाद पूजा घर जो है वो बेडरूम के अंदर नहीं रखना चाहिए। तो आप या तो अपने घर के अंदर एक जो भगवान के लिए आप ठीक समझते हो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में मंदिर बनाएं, लेकिन बेडरूम में या घर के अंदर यहाँ वहाँ भगवान की प्रतिमा स्थापित करने से दोष पड़ता है। तो कोशिश करें कि मास्टर बेडरूम में पूजा घर को ना रखें और सही दिशा में भगवान की स्थापना की जाए। पल्लवी जी, आपकी बात जो है वो हमारे जो दर्शक हैं परेश पटेल जी न्यूजर्सी से उन तक पहुंच गई होगी, और मुझे लगता है ये बहुत हमारे दर्शकों के लिए रेलेवेंट है कि मास्टर बेडरूम में भगवान की प्रतिमा होना वास्तु की दृष्टि से ठीक नहीं है। आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है पल्लवी जी, एंड आई थिंक द वे वी कनेक्ट विद द एब्सोल्यूट, विद द ऑलमाइटी, भगवान के साथ जुड़ने में जो छोटी छोटी बातें हैं उनकी सहायता लेते हुए हमारा वो जुड़ाव हमारे लिए और अधिक संतोष बढ़ाने वाला हो, आनंद बढ़ाने वाला हो, हमारी श्रद्धा बढ़े, उसमें जो वास्तु के सिद्धांत हैं वो भी थोड़ा थोड़ा मदद निश्चित रूप से करते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि जिन घरों के अंदर आइडियली तौर पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई भी तरह का पूजा पाठ धूप दीप अगरबत्ती या खुशबू वाली चीजें रहती हैं, जिन घरों के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर क्लटर फ्री रहता है, जिस घरों का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड होता है, ऐसे घरों के अंदर पढ़ाई लिखाई के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको अपने एजुकेशन में पावरफुल सक्सेस मिलती है। घर का जो ऑनर या मुखिया होता है वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के साथ अपने आप को स्ट्रांग पोजिशन में लेके आ सकता है, और घर में जो भी मेल पर्सन होते हैं, बुजुर्ग वगैरह, पिता, ग्रैंडफादर, सन वगैरह, उनकी हमेशा लॉन्ग लाइफ बनी रहती है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार आप जिस किसी भगवान की पूजा करते हो लेकिन नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड घर में और नॉर्थ ईस्ट के अंदर खुशबू वाली चीज़ें, अरोमा प्रोडक्ट, मेडिटेशन, कुछ भी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने से मन को बेहद शांति मिलती है, और घर में कॉस्मिक एनर्जी का लेयर बढ़ने से घर में आस्था और रिस्पेक्टफुल एटमोसफियर क्रिएट होता है। जिन घरों में बहुत लड़ाई झगड़े चलते हो, ऐसे घरों में उन लोगों को सबसे पहले अपने पूजा घर की दिशा को देखना चाहिए, क्योंकि भगवान की सही दिशा होने के बावजूद घर में एक सुख शांति बनी रहेगी। बहुत धन्यवाद है पल्लवी जी, घर में सुख शांति रहे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पूजा घर किस तरह से व्यवस्थित करें उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें आज के कार्यक्रम में पल्लवी छेलावड़ा जी से हम तक पहुंची हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है जिसके बारे में आप उनसे कुछ जानना चाहते हैं, द बेस्ट वे इज राइट टू अस एट 123vastu@gmail.com, एंड व्हाट आर यू गोइंग टू राइट, राइट योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज वेल एज floor plan of your home, and if you want to keep your information confidential, please mention that and we'll respect that. There is so much to learn from Pallavi Chelavra ji, and we will have more topics next week. Also, before we go, I want to mention YouTube channel Vastu Living with Pallavi Chelavra, as well as Facebook page, is also there to serve you, to help you, and to make the most of life. And in order to make the most of life, there is a small message that we would like to share together, Pallavi ji. Ekra aur sahi disha jo zindagi badal de. Thank you very much. Keep writing, keep watching Vastu Living with Pallavi Chelavra.